तो जीपी में हम लोगों ने सम का फॉर्मूला देखा था, मतलब जिसमें ग्रेटर देन वन था। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं 243, 81, 27 और इनका हमें सम चाहिए 18 टर्म्स का, पहले बताओ कि ये एपी है या जीपी, कैसे पता लगा? सीधी जीपी है या उल्टी जीपी? उल्टी चल रही है। कॉमन रेशियो वन से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। तो कॉमन रेशियो निकालते कैसे है? सेकंड अपॉन, तो आर इक्वल टू 81 अपॉन 243, ये आ गया 1/3। कितना आ गया? ये वन से क्या है? बड़ा? छोटा। तो एस एन इक्वल टू ए 1 - r की पावर n 1 - r, यही लगेगा ना? आर की वैल्यू एक से छोटी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एस 18 इक्वल टू 243 1 - 1/3 की पावर 18 1 - 1/3। 243 1 - 1/3 की पावर 18, 1 में से 1/3 गया, 2/3, 3 ऊपर पहुंच गया, 729 1 - 1/3 की पावर 18 / 2। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? कैलकुलेटर है? निकालो, 3 को 18 बार लेके जाओ, 3 को 18 बार, 3 × इक्वल इक्वल इक्वल, 18 का मतलब 19 पे रुक जाओ, बोलो मत। 3 को 18 बार ले लिया, अब वो नीचे है या ऊपर? ऊपर करने के लिए डिवाइड इक्वल दबाओ, डिवाइड इक्वल, सीधा करने के लिए डिवाइड इक्वल दबाते हैं, दबा दिया, -1 × 729 डिवाइड 2, बोलो 49। माइनस में तो क्यों आया? क्योंकि अपन ने पीछे से कैलकुलेशन करी है, इसलिए माइनस को इग्नोर करेंगे। माइनस को भाई, किसी नंबर का सम निकालना है तो माइनस में तो आ नहीं सकता, तो माइनस को तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि अपन ने 3 की पावर 18 डिवाइड इक्वल फिर -1 दबाया, जबकि 1 में से माइनस हो रहा है, तो अपन ने रिवर्स प्रोसेस करी है, इसलिए वो माइनस में दिखा रहा है, तो माइनस को इग्नोर करेंगे। 364.49, 364.5 पे जाके टिक कर देंगे। समझ गए क्या? नोट डाउन। जी।
अभी नहीं, क्लास में आ गया, अभी वो करेगा 12-1 बजे। अब मैं पूछता हूँ पहले, बच्चों एक होती है इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक होती है, आंसर है 2.2.5, नॉट वैलिड। आपको मैंने एक बात बताया था इनफाइनाइट जीपी, देखिए ध्यान से, इसमें ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू भी 2 है, कॉमन रेशियो किससे बड़ा है, जबकि कॉमन रेशियो -1 से 1 के क्या रहता है, बीच में। इनफाइनाइट जीपी में तो -1 से 1 के बीच में रहता है, पर आर की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये क्वेश्चन ही नॉट वैलिड हो गया। क्या हो गया बताओ, नॉट वैलिड क्यों हुआ, आर की वैल्यू 2 आ रही है, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक रहती, किसमें, किसमें, इनफाइनाइट जीपी में, किसमें, गुड डाउन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 36, 12, 4 इनफाइनाइट टर्म्स सम निकालिए, अब मुझे सब बच्चे बताना ए का वैल्यू क्या है, कॉमन रेशियो 12/36, कॉमन रेशियो 1/3, क्या -1 से 1 के बीच में है क्या, है सर, 1 से तो छोटा ही है, तो फिर एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 - r, ए अपॉन ए का वैल्यू 36, आर का वैल्यू 1/3, 36/2/3, 36 × 3/2, 54, समझ गए क्या, नो डाउट।
1/5, 1/25, 1/25, 1/125, 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
इनफिनिटी टर्म्स सम पूछा है, इसमें इसका डिवाइड किया कॉमन रेशो 1/5, इसमें इसका डिवाइड किया कॉमन रेशो 1/5, 1/5 माइनस 1 से 1 के बीच में है या नहीं है? अरे है ना, तो एस इनफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस 1/5, 1 अपॉन 4/5, आंसर हो गया 5/4, क्या हो गया? जैसे x इक्वल टू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब प्लस इन्फिनिटी, y इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, x y का प्रोडक्ट बताओ। तो मुझे बताओ जो x वाली है क्या ये इनफाइनाइट जीपी है क्या? ये भी इनफाइनाइट जीपी है क्या? तो मुझे बताओ पहले वाले में कॉमन रेशो कितना आ रहा है? तो x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 1 अपॉन 3/4, आंसर क्या आया? दूसरे वाले में कॉमन रेशो कितना है? 1/3। y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 1 अपॉन 2/3, क्या आंसर आया? तो x का वैल्यू 4/3, y का वैल्यू 3/2, 3 से 3 गया, टोटल आंसर क्या हो गया? नोट डाउन, चलो ये क्वेश्चन करो। 14 माइनस 2 प्लस 2/7 माइनस 2/49 ... का सम करो।
देखिए पहला है 14, फिर माइनस दो, फिर 2/7, फिर -2/49, इन्फिनिटी। ए का वैल्यू 14, आर का वैल्यू दिस अपॉन दिस, -2/14, -1/7, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 14/1 --1/7, माइनस माइनस क्या हो गए, तो 14/8/7, 98/8, 49/4, 12.5, समझ गए क्या, 12.25। Keep quiet। ये बताओ 243 की पावर 1/6, 243 की पावर 1/36, 243 की पावर 1/216, डॉट 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 इन्फिनिटी। इनका चाहिए प्रोडक्ट, क्या चाहिए, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से सबका बेस क्या हो जाएगा, सेम होगा या नहीं होगा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, पावर्स ऐड हो गई। अब बताओ सब पे पावर जो बनी है क्या वो इनफाइनाइट जीपी बनी है क्या, अरे ये जो ऊपर एडिशन हुआ है ये इनफाइनाइट जीपी है क्या। ए का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू, तो 243 के पावर के ऊपर ए अपॉन 1 - r, ए अपॉन, तो 1/1 - 1/6, 243, 1/5/6, 243 उल्टा हो गया 6/5, क्या हो गया, इसको लिखा 3 की पावर 5, उसके ऊपर 6/5, 5 से 5 गया, 3 की पावर 6, आंसर आ गया 729, क्या आंसर आ गया, नोट डाउन। वन अपॉन 5/6 है, वो उल्टा हो गया 6/5,
हेलो। हाँ जी बताइए। एमसीसी सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ ही नहीं है, एमसीसी कॉमर्स क्लासेस में पढ़ाता हूँ मैं तो। हेलो, वैशाली नगर में नहीं है सर एमसीसी, मैं तो मित्तल कॉमर्स क्लासेस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाता हूँ, ये ऋषि कॉलोनी गांधीनगर रेलवे स्टेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, बोलो। जी इज तो वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? जी स्क्वायर, वन अपॉन जी स्क्वायर, टू जी स्क्वायर, थ्री जी स्क्वायर। आंसर भी जी में है। आप मुझे ये बताओ ए नंबर और बी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कौन है? तो वो बीच में आएगा, तो ये क्या बनेगी? तो अपनी मर्जी से क्या मान लो? अरे क्या मान लो? ए को क्या माना, जी को क्या माना, बी को क्या माना? पुट कर दो इसमें। जी जी 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 1/12, 1/-48, प्लस माइनस माइनस, एलसीएम 48, 4-1, 3/48, 1/16। बोलो जी का वैल्यू क्या है? तो 4 का स्क्वायर 16 ही होता है क्या? तो क्या आंसर 1/g² हो गया क्या? ऑप्शन नंबर नोट डाउन। ज्योमेट्रिक मीन जीपी बनाता है। क्या बनाता है? तो 248 मान लो, 124 मान लो, कुछ भी मान लो और वैल्यू पुट कर दो, और ऑप्शन में भी देख लो। जैसे 1/16 आया, तो क्या पहला ऑप्शन 1/16 है क्या? पहला तो 16 है, दूसरा ऑप्शन 1/16 है क्या? तो आंसर हो गया भी।
अच्छा एक क्वेश्चन है थोड़ा इसी तरीके का, पर बहुत टिपिकल तो नहीं कहेंगे, देखते हैं किसको समझ में आता है। एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, जेड की पावर आर, ठीक। एक्स वाई जेड है जीपी, तो वन अपॉन पी, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन आर किस में होंगे? एपी में, जीपी में, बोथ में, नन में? अब मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं, बताओ ये तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में, और एक्स वाई जेड को क्या बोला है बोलो? तो अपन ने मान लिया 248, क्या मान लिया? तो 2 की पावर p, 4 की पावर q और 8 की पावर r। क्या हम कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर आ जाए, आ सकते हैं ये दो के बराबर? अरे ये तीनों की तीनों वैल्यू किसके बराबर आ सकती है? दो के। कैसे? देखो बस, 2 की पावर 1, 2 की पावर और 4 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 2 ही आएगा, और 8 की पावर 1/3, तो भी 2 आएगा। तो बताओ हमने P को क्या माना, Q को क्या माना और R को क्या माना? पूछा क्या है? तो 1/P कितना होगा? 1। और क्या पूछा है? तो 1/Q, 1/1/2 कितना होगा? 2। 1/R, अरे बोलो, 3। तो 1, 2, 3 किस में हो गए? एपी आंसर। नोट डाउन। अच्छा एक पैटर्न होता है, 4+44+444+4×4+...n×, इसका निकालना है सम। क्या निकालना है? तो ऑप्शन आ गए 4/9, 10/9, 10^(n-1)-n, 4/81, 10^(n+1)-9n-1, 4/9, 10^(n-9n-10), none of these। इसका ऑप्शन n में ही होता है। बच्चों ये ना तो एपी होती है ना जीपी होती है। आप देखो गैप, देखो गैप 40, इसमें 400 तो एपी नहीं है, और इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड बराबर नहीं आ रहा, ना तो एपी है और ना। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक सुनो बच्चों। जब n का वैल्यू 1 होगा तो क्या आना चाहिए? 4। अरे बोलो ना, 4। n का वैल्यू 2 होगा तो क्या आना चाहिए? नहीं, 44 और 4 का सम 48। n इक्वल टू 1 का मतलब 1 टर्म का सम, और n इक्वल टू 2 का मतलब 2 टर्म का सम।
तो 48 के बराबर आना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन में एन का वैल्यू 1 रखेंगे, जो हमें 4 देगा वो आंसर होगा। ये हमें 4 देगा, ये हमें 4 देगा, या ये हमें 4 देगा, जो 4 देगा वो आंसर होगा। हमने ऑप्शन नंबर ए में रखा 4/9, 10/9, एन की जगह 1 - 1, 4/9, 10/9, 10 में से 1 गया 9 - 1, 9 से 9 गया 4/9, 10 - 1, 9, 9 से 9 गया, क्या मिला? ओहो, एन का वैल्यू 1 पे क्या मिला? सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में भी, किस में होगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट, नोट डाउन। अगर ये क्वेश्चन होता 5 + 5 + 555, तो बताओ एन की वैल्यू 1 पे क्या मिलना चाहिए? वेरी गुड। और अगर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीपी क्लोज, एपी तो मैंने पहले पढ़ा दिया, एपी के क्वेश्चन आपने कर लिए, अब मैंने जीपी पढ़ा दिया, जीपी का सम पढ़ा दिया, इनफाइनाइट जीपी पढ़ा दिया, ट्रिक से करने वाले क्वेश्चन बता दिए, मानने वाले क्वेश्चन बता दिए, सम वाले क्वेश्चन बता दिए, कॉमन रेशो 1 से बड़ा, कॉमन रेशो 1 से छोटा, इनफाइनाइट जीपी कर लोगे क्या? करके लाना कल कर।